Hi friends, this is Pooja. Welcome back to my channel and welcome to a new vlog. Before I start in, I would like to leave a message for those जो ये नहीं जानना चाहते कि इस साल मेरी cleaning strategies क्या थी, वो video skip करके इस time पे जा सकते हैं and start seeing the cleaning vlog. So as you've read the title, this video is about Diwali cleaning and मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह मैं अपनी दिवाली cleaning करती हूँ without using any vacuum cleaner. And I'm sure friends आप सब जानते हैं कि दिवाली cleaning की क्या importance होती है, why should we clean our house and get it clutter free during Diwalis. So I'm not going to get in detail about why do we do Diwali cleaning etc. But if you want me to, then do comment and let me know. I will make a separate video on that and share with you all. So every year during Diwali, मैं अपनी सफाई and organization साथ में करती थी, which means cleaning and organizing together. और मैं एक room in a day करती थी या एक shelf at a time इस तरह से. But since I'm working, I'm busy with my blogging career and also my YouTube. इस साल मेरी दिवाली cleaning strategy was completely different. So what I did was, पहले मैंने पूरे घर का specially the rooms, all three rooms that I have, मैंने उनकी organizing की and then deep cleaning, बाहर से कमरे की deep cleaning सारे कमरों की एक साथ एक ही दिन कर दी. And this is a very very good tip I would like to give you all those women who are working women or into any professionals and busy women जिनके पास एक एक shelf या every day ये करने का time नहीं होता है. So what you can do it, या तो आप पहले ही अपनी दिवाली cleaning से एक दिन पहले meal prep कर लीजिए. So this year I planned it entirely different. All I did was I blocked three Sundays. एक Sunday में मैंने सारे कमरों की अंदर से वार्डरोब अंडर द बेड ड्रॉज वगैरह क्लीन किए एंड एक संडे कंप्लीट डीप क्लीनिंग व्हिच इज दिस वीडियो ऑल अबाउट. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो सबसे पहले तो आई प्रेफर टू कवर माय हेड एंड फेस कंप्लीटली बिकॉज आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन और दिवाली की सफाई पे मुझे इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं. सो आई डिड दैट एंड सेकेंडरी मैं कमरे से जितनी भी निकनाक चीज़ें हैं वो सब बाहर निकाल रही हूँ. Now I'm taking out the curtains and putting them for wash. Now I'm taking out the mosquito net और उसके बाद मैं पूरी विंडो साफ करूँगी. My house help is here और तीनों कमरों के mosquito net वगैरह ये सब wash करके ऊपर सुखा देगी terrace पे. कर्टन्स को भी हमने वॉशिंग मशीन में वॉश के लिए डाल दिया है सो दैट बाय द टाइम वी फिनिश ऑल थ्री रूम क्लीनिंग हमारे मस्किटो नेट्स एंड कर्टन्स सूख जाएं एंड देन द रूम विल बी सेट. मैं जो है पूरे कमरे के जाले उतार दूंगी और उसके बाद लगे हाथ में अपने एसी के वेंट्स भी क्लीन कर दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं. इक्वल इंटरवल्स में आपको उन्हें क्लीन करना पड़ता है. नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी पेंटिंग्स फोटो फ्रेम्स या वॉल क्लॉक जो भी आपने वॉल पे फिट कर रखा है उसे निकालिए और उसके पीछे से भी उसको प्रॉपरली क्लीन कीजिए. उस नेल को क्लीन कीजिए जहाँ पे आपने उसे हैंग कर रखा है प्लस द वॉल बिकॉज उस पर निशान पड़ जाते हैं. तो वो पूरा क्लीन करके अच्छे से डस्टिंग करके फिर उनको हैंग कीजिए. Moving on to the most important step जो कि है बेड अपोल्स्ट्री क्लीन करना, वो भी बिना वैक्यूम क्लीनर के. सो सबसे पहले तो मैं इस तरह के एक ब्रश से उसको कम्प्लीटली डस्ट कर दूंगी.
अपहोल्स्ट्री की डस्टिंग हो चुकी है, आप खुद देख सकते हैं कितना डिफरेंस है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द DIY सॉल्यूशन टू क्लीन इट, सॉरी आई मीन टू डिसइंफेक्ट इट विद अ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, DIY सॉल्यूशन. सो मैंने इस स्प्रे बॉटल में लिया है थोड़ा पानी और उसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा. विद दैट आई एम एडिंग फैब्रिक सॉफ्टनर. मेरा फैब्रिक सॉफ्टनर बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस देता है, विच इज़ वाई आई एम नॉट एडिंग एनी एसेंशियल ऑयल, बट आप चाहें तो लेमन ग्रास ऐड कर सकते हैं. शेक इट वेल एंड यू आर गुड टू गो. मैंने क्लीन करने के लिया है ऐसा एक डिस्पोजेबल फैब्रिक. नाउ आई विल स्टार्ट स्प्रेइंग दिस ऑन द बेड अपहोल्स्ट्री एंड इन फैक्ट आई विल यूज़ द सेम फॉर माई सोफा एंड डाइनिंग टेबल चेयर्स ऑल्सो. आई यूज़ द सेम थिंग टू क्लीन इट एंड बस इसको स्प्रे करते जाएंगे और क्लीन करते जाएंगे. Moving on to the mattress now. मैंने पहले तो बेडशीट निकाल दी है एंड देन आई एम डस्टिंग द मैट्रेस विद द सेम ब्रश एंड फिर मैं मैट्रेस को पलट दूंगी. एंड अगर आपकी मैट्रेस के नीचे वाला एरिया बहुत ज़्यादा डर्टी है तो पलटने से पहले आप एक बार उसको वाइप कर लीजिए, वाइप क्लीन कर लीजिए एंड देन शिफ्ट द मैट्रेस. नाउ सिंस माई मैट्रेस इज रिवर्सिबल, मैं दोनों साइड से उसको यूज़ कर सकती हूँ. मैं एवरी नाउ एंड देन जब भी डीप क्लीन करती हूँ आई शिफ्ट इट, आई मीन आई रिवर्स इट. Before I spread the bread sheets etc., I am cleaning the walls and doing the basic dusting. बस मैं अभी रफली एक बार रूम को स्वीप कर रही हूँ एंड देन आई विल स्प्रेड द बेड शीट एंड फिर मैं एक वेट क्लॉथ से दोबारा डस्टिंग करूँगी एंड माई हाउस हेल्प विल डू द स्वीप एंड मॉपिंग अगेन एंड देन आई विल सेट द रूम. श्योर बाई नाउ ये नॉट वाला सिस्टम तो सबको पता ही होगा कि जब हम बेडशीट के चारों साइड में ऐसे नॉट बांध देते हैं तो वो मैट्रेस से एकदम अटक जाती है मैट्रेस में जाके एंड ईजिली बहुत ज़्यादा सल नहीं आते हैं आपकी बेडशीट पे और ईजिली निकलते भी नहीं है मैट्रेस से. ये देखिए मैंने अपने हाथ में अटकाया है उसको एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू पुल वो निकल नहीं रही है. सो इसी तरह से चारों साइड से मैट्रेस में बेडशीट सील हो जाती है. एज आई सेड टाइम फॉर अ फाइनल वेट डस्टिंग एंड देन द हाउस हेल्प विल क्लीन एंड उसके बाद मैं कमरा सेट कर दूंगी. जैसे ही मेरी मस्किटो नेट एंड कर्टन्स ड्राई हो जाएंगे आई विल प्लेस देम बैक. I hope you liked and enjoyed watching this, and if so please do consider to subscribe my channel and don't forget to follow me on Instagram. Matt and Ladle is my handle. And yes, before I leave I would like to give you all a message that with cleaning and organizing, purging, donation and getting rid of the unwanted items that you have at home is equally important, friends. And so do that. As and when you clean a wardrobe, a room or a shelf, start donating, start taking out stuff that you don't need and declutter your house. And I assure you, by doing this you will feel the positivity around you, not just with the clean atmosphere, but you will feel some kind of positive energy that will pep you up. So yeah, that's all. Do follow these and comment and let me know ki aap apni Diwali ki safai kaise karte hain, what are your strategies. Maybe I like yours and I try to follow them. So yes, that's all in this video. See you again in another vlog. Until then, take care. Bye-bye.